हेलो फ्रेंड्स, आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब का सेशन नंबर 2 करेंगे, जिसमें हम वेबसाइट को क्रिएट करना और उसके अंदर वेब पेजेस क्रिएट करना सीखेंगे। यहाँ पर जैसे कि लेसन ऑब्जेक्टिव भी दिया हुआ है, क्रिएट अ न्यू स्टाइल एंड क्रिएट एंड सेव अ वेब पेज। तो सबसे पहले नई वेबसाइट कैसे क्रिएट करेंगे, तो हम प्रैक्टिकली इसका म्यू सॉफ्टवेयर पे देखते हैं किस तरीके से हम क्रिएट करेंगे। ये हमारा म्यू सॉफ्टवेयर है, इसमें हम साइट पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। साइट के बाद न्यू साइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स आएगा, ये है डायलॉग बॉक्स। इसमें जनरल में तीन ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, तीन तरीके से हम अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहली है वन पेज साइट, इसमें आपका वेबसाइट के साथ साथ एक सिंगल ब्लैंक पेज भी क्रिएट होके आएगा। सेकंड है हमारे पास एम्प्टी साइट, जिसमें सिर्फ सिर्फ साइट क्रिएटेड होगी, कोई ब्लैंक पेज क्रिएटेड नहीं होगा। इंपोर्ट साइट विजार्ड में आपके पास पहले से ही कोई बनी हुई वेबसाइट है, आप उसको इंपोर्ट करना चाहते हो न्यू में और उस पर फर्दर काम करना चाहते हो, तब हम ये इम्पोर्ट साइट विजार्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम वन पेज साइट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप लोकेशन पे आ जाइए, जहाँ भी आपने लोकेशन पे अपने सिस्टम पे सेव करनी है पर्टिकुलर फाइल्स, वो लोकेशन देंगे आप और फिर इस साइट का नेम देंगे। यहाँ हम नेम दे देते हैं सेशन 2, देन वी विल क्लिक ओके। ये आ गया हमारे पास क्रिएटिंग न्यू साइट। इधर आपका क्योंकि हमने वन पेज साइट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करा था, इसलिए ऑटोमेटिकली एक पेज एचटीएमएल पेज हमारा क्रिएटेड है इस टाइप से है। ये हमारा मेन पेज। अब सेकंड इन्होंने सेशन नंबर सेकंड में वेबसाइट के बाद अब इन्होंने दिया हुआ है क्रिएट ए वेब पेज। नया वेब पेज हम कैसे क्रिएट करेंगे, तभी हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। नया वेब पेज क्रिएट करने के लिए आपने फाइल पे जाना है, न्यू पे जाना है। यहाँ पर HTML, ASP, TSP दिया हुआ है, हमने HTML वाला पेज क्रिएट करना है, तो हम HTML पे क्लिक करेंगे। ये आ गया untitled1.html, ठीक है। और फर्दर पेजेस हमने क्रिएट करने हो तो हम यहाँ पे क्लिक करते चले जाएंगे और हमारे फर्दर पेजेस क्रिएट होते। ये रहा पहले untitled1.html था, फिर हमारा untitled2.html आ गया। नेक्स्ट टॉपिक पे अब हम आते हैं, इन्होंने दिया है हैंडलिंग फाइल एक्सटेंशन। तो HTML एडिटर जैसे कि व्यू है ऑटोमेटिकली क्या है .html एक्सटेंशन देता है। यहाँ पर हम .html की जगह .htm एक्सटेंशन देना चाहते हैं तो उसको भी कर सकते हैं। उसका ऑप्शन देखते हैं इन्होंने कहाँ दिया हुआ है, टूल्स पे पेज एडिटर ऑप्शन पे दिया हुआ है, टूल्स पे क्लिक करा। तो लास्ट में हमारे पास है पेज एडिटर ऑप्शन, इस पे क्लिक कीजिए। डायलॉग बॉक्स आएगा, इसमें ऑथरिंग वाले टैब पे क्लिक करना है। यहाँ पर दो ऑप्शन हमारे पास है .htm एंड .htm, इस पे भी आपने जो भी एक्सटेंशन आपको चाहिए आप उस पे क्लिक करके ओके प्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इन्होंने क्या दिया हुआ है हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक है आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो एक्सप्रेशन वेब को एक्सटर्नल प्रोग्राम्स को यूज करने के लिए। ये दिया हुआ है एप्लीकेशंस ऑप्शंस में हमारे पास, प्रैक्टिकली देख लेते हैं। टूल्स में एप्लीकेशन ऑप्शंस पे गए हम, वहां पे कॉन्फ़िगर एडिटर्स में आ गए। हम क्या कर सकते हैं, अपने म्यू को किसी भी फाइल को कौन से फॉर्मेट में ओपन करना है वो गाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है ओपन एज सी एस एस, ओपन एज टेक्स्ट, ओपन एज एच टी एम एल या नोट पैड में। तो जो भी आपने सेलेक्ट जिस भी फॉर्मेट में आपने ओपन करना है उसको आप सेलेक्ट यहाँ कर सकते हैं एंड देन क्लिक ओके। नेक्स्ट इन्होंने दिया हुआ है हमारे पास वर्किंग विद वेब पेज। अब हमारे पास वेब पेज एक क्रिएट हो गया है, अब वो वेब पेज में क्या क्या प्रॉपर्टीज कैसे कैसे कोडिंग होती है वो हम सीखते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पर हमने लिखा हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड में एंटर करा। ये पी पी फॉर हमें पता है 11th क्लास में 11th 3 में ये पढ़ाया जाता है एचटीएमएल कोडिंग। पी माने पैराग्राफ।
अब पैराग्राफ में अब सबसे पहले हम हेलो वर्ल्ड की थोड़ी एडिटिंग करते हैं, जो कि हम 11th क्लास में पूरी कोडिंग लिखा करते थे, यहाँ पर हमें सिर्फ सिंपल क्लिक्स के थ्रू वो कोडिंग अवेलेबल हो जाएगी। हेडिंग टू देखिए ये चेंज हो गया, फॉन्ट हम चेंज कर सकते हैं इसके। तो भी हमें चाहिए अपने अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं, चेंज हो गया। साइज है, साइज इंक्रीज करना है, हम उसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं। ये हमारे पास दिया हुआ है, ये सब पहले जब अब इसके साथ कोड भी दिया हुआ है, कोड में हम देख सकते हैं कि हेलो वर्ल्ड, यहाँ पर ऑटो स्टाइल क्लास डाल दी है, ठीक है। जो जो हमने हेडिंग डाली थी, एच टू हेडिंग यूज करी थी, उसमें इनक्लोज है हमारे पास। तो ये हम इस तरीके से इसमें एडिट अपना वेब पेज पे कर सकते हैं। सारे ऑप्शन इन्होंने यहाँ दिए हुए हैं। उसके बाद इन्होंने बताया है थ्री व्यूज अवेलेबल इन व्यू। व्यू में हमारे पास तीन व्यूज अवेलेबल होते हैं। ये लेफ्ट में बॉटम में आपको मिलेगा डिजाइन व्यू, जिसमें सिर्फ डिजाइन हेलो वर्ल्ड जो हम लिख रहे हैं वॉल डिजाइनिंग आएगी। स्प्लिट में हमारे पास डिजाइन व्यू भी आएगा और कोड व्यू भी आएगा, और कोड में हमारे पास सिंपल कोड आएगा। ये थ्री व्यूज हो गए। उसके बाद यूजिंग मल्टीपल वेब ब्राउजर्स, हम अपनी वेबसाइट को डिफरेंट डिफरेंट वेब ब्राउजर्स में हमारी वेबसाइट कैसे शो होगी उसको भी चेक कर सकते हैं। तो प्रीव्यू ब्राउजर लिस्ट में हम ब्राउजर लिस्ट बना सकते हैं कि हम किस किस ब्राउजर में अपनी वेबसाइट को टेस्ट करना चाहते हैं। फाइल में गए, फाइल में प्रीव्यू वेब ब्राउजर में डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन, जिसमें भी आपने अपने वेबसाइट को करना है आप इस पे क्लिक करके उसको रन करके देख सकते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर पे क्लिक किया है मैंने, पहले हमें सेव करना होता है साइट को, सेव कीजिए, उसके बाद प्रीव्यू होगा आपकी साइट। यहाँ पर ये यह हमारे पास हेलो वर्ल्ड हमारे पास आ गया हमारी साइट का प्रिव्यू। जिस भी फायरफॉक्स है, क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, जिस भी वेब ब्राउजर पे आप देखना चाहते हो आपकी साइट कैसे दिख रही है, आप उस वेब ब्राउजर में यहाँ पर जाके सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा सेशन नंबर सेकेंड।